एल्कइन अर्थ मेटल इस तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जो प्रिडामिनटली आयनिक होते हैं ले, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की बात करें अल्कली मेटल्स के रेस्पेक्ट में तो ये लेस आयनिक होते हैं किसके कंपैरिजन में एलकली मेटल के ये इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूक्र चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है और इनका साइज़ क्या है कम है किस से मेटल के रेस्पेक्ट में ठीक है अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज़ कम होता है और इनका न्यूक्र चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है इसी वजह से ये थोड़े कम आइनिक होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल ऑक्साइड और अदर कंपाउंड बेरीलीम ऑक्साइड या फिर दूसरे कंपाउंड बेरीलीम और मैगनीशियम के ज़्यादा कोवलेंट होते हैं एज कम्पेयर टू दी हैवियर एलिमेंट जो बेरीलीम uh, और मैगनीशियम है ये ज़्यादा कोवलेंट कम्पाउंड का फॉर्मेशन करते हैं अगर हम बात करें उस सेम ग्रुप के uh, जो नीचे वाले एलिमेंट है या फिर हैवियर जैसे कैल्शियम स्ट्रॉनशियम और वेरीम जिनका साइज़ भी क्या होता है लार्ज होता है तो ये इनके कंपैरिजन में बात करी जा रही है बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड और कंपाउंड्स की जो कि ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं देन हैवियर एलिमेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कंपाउंड्स की ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं एम ओ जो कि बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर सारे सॉल्ट स्ट्रक्चर के होते हैं ठीक है बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर सारे के सारे जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर मोनोऑक्साइड कर का फॉर्मेशन करते हैं उन सबका सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बेरिलियम ऑक्साइड एसेंशियली कोवेलेंट होता है नेचर में और ऑफ फॉर्मेशन इन ऑक्साइड की क्वाइट हाई होती है और कंसिक्वेंटली क्या होता है ये हीट के क्रॉसपॉन्डिंग स्टेबल होते हैं ठीक है इन ऑक्साइड की के ऑफ फॉर्मेशन हाई होती है और कंसिक्वेंटली ये स्टेबल होते हैं हीट से ठीक है आसानी से टूटते नहीं है फिर बात करते हैं हम बेरिलियम ऑक्साइड की तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्पोटेरिक होता है दैट मीन्स ये इसके अंदर एसिडिक और बेसिक करेक्टर दोनों पाए जाते हैं वहीं हम बात करें दूसरे एलिमेंट की तो इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड आयनिक होते हैं नेचर में ठीक बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बेरिलियम ऑक्साइड कैसा है एम्पोटेरिक है और जो दूसरे एलिमेंट्स से हैं सेम ग्रुप के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं आयनिक होते हैं सभी ऑक्साइड सिर्फ बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बेसिक होते हैं नेचर में और वाटर के साथ रिएक्ट कर कर स्पैरिंगली सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं डिजे रिएक्शन एम ओ प्लस एच MOH गिवस एम ओ इच का होल ट्वाइस मेटल हाइड्रोक्साइड सॉलिबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक करैक्टर इन हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज होता है जैसे इन अटोमिक नंबर इंक्रीज़ होता है ठीक सॉलिबिलिटी थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक करेक्टर इन हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज़ होता है जैसे जैसे अटोमिक नंबर इंक्रीज़ होता है फ्रॉम मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं हाउ एवर वो लेस बेसिक होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं कम बेसिक होते हैं क्योंकि वो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं लेस आइनिक थे देन एल्कली मेटल सेम उसी तरीके से ये लेस बेसिक होते हैं और कम स्टेबल होते हैं देन एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बेरीलेम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये एम्फोटेरिक होता है नेचर में क्योंकि ये एसिड और अल्कली से दोनों से रिएक्ट कर जाता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड प्लस टू ओ एच माइनस गिट बेरिलेट आयन एंड बी बेरिलम ओ एच का उल्टाइस प्लस टू एच एल प्लस एच टू मतलब एसिडिक कंडीशन में कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेरिलियम ओ एच का होल फोर अंडर स्क्वायर बेराइड एंड सी एल टू हेलाइट की बात करते हैं तो बेरिलियम हेलाइट को छोड़कर सारे हेलाइड अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयनिक होते हैं नेचर में बेरिलियम हेलाइट एसेंशियली कोवेलेंट होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं बेरिलियम क्लोराइड का चेन स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में नीचे दिया हुआ है बेरिलियम हेलाइट को छोड़कर सारे अदर हेलाइट एल क्लाइन मेटल के आयनिक होते हैं नेचर में बेरिलियम हाइलाइट एसेंशियली कोवेलेंट होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं बेरिलियम क्लोराइड का चेन स्ट्रक्चर नीचे दिखा रखा है वेपर फेस में बीई सेल टू क्लोरोब्रिज डायमर का फॉर्मेशन करता है जो डिसोसिएट हो जाता है लीनियर मोनर में जब हाई टेम्परेचर लगभग 1200 हंड्रेड के एक्सपोजर में आते हैं वेपर फेस में बी सी एल टू टें क्लोरोब्रिज डायमर जो डिसोसिएट हो जाता है लीनियर मोनोमर में एट हाई टेम्परेचर ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड कैलविन जो टेंडेंसी है की वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है जैसे एग्जाम्पल की बात करिए हेलाइड हाइड्रेट्स का मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अब हेल्ड्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा तो जो टेंडेंसी है हेल्ड हाइड्रेट्स की वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन है वो कम हो जाता है जैसे एम जी सी में सिर्फ ज़्यादा एच एट एच टू है वहीं बेरियम क्लोराइड की बात करें तो टू एच टू तो यहाँ पर क्या होती है जो टेंडेंसी है हाइड्रेट्स की हेल्ड हाइड्रेट्स की वो डिक्रीज होती है जैसे एम जी सी एल टू डॉट एट एच टू कैल्शियम क्लोराइड डॉट सिक्स एच टू एस आर सी एल टू डॉट सिक्स एच टू और बेरी बेरियम क्लोराइड जो कि सबसे नीचे वाला एलिमेंट है उसमें सिर्फ दो h2O मॉलिक्यूल अटैच हैं तो डिहाइड्रेशन हाइड्रेट अगर डिहाइड्रेशन की बात करें हम तो हाइड्रेटेड क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड कैल्शियम किस स्ट्रक किसके कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम के आसानी से अचीव किया जा सकते हैं हीट करने पर ठीक है ये किस-किस के कैल्शियम अब अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन की तो कैल्शियम इस्टानजियम और बेरियम के का डिहाइड्रेशन आसानी से हो जा हो जाता है हीट करने पर लेकिन अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्रेटेड हल्इट्स की बात करें कि उनका डिहाइड्रेशन हो जा हो जाता है क्या आसानी से तो जब उनको हीट किया जाता है तो उन, उनके अंदर क्या होने लगती है हाइड्रोजिस हो जाती है ठीक है तो ये डिहाइड्रेशन नहीं होता बल्कि क्या हो जाती है हाइड्रोजिस हो जाती है फ्लोराइड रिलेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं दैन क्लोराइड ओनिंग टू देयर हाई लेटेस्ट एनर्जी फ्लोराइड की बात करें तो ये रिलेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनकी क्या होती है हाई लेटेस्ट एनर्जी होती है एज कंपेयर टू क्लोराइड्स फ्लोराइन का साइज छोटा है तो उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा होगी ठीक तो ये कम सॉल्युबल होते हैं फ्लोराइड्स अब बात करते हैं थर्ड थर्ड हेडिंग की तो है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सॉल्ट का भी फॉर्मेशन करते हैं किसके ऑक्जो एसिड के सॉल्ट कुछ उनमें से दे रखे जैसे कार्बोनेट सल्फेट एंड नाइट्रेट कार्बोनेट एल्कलाइन अर्थ मेटल के इंसॉलिबल होते हैं वाटर के अंदर और इनको प्रेसिपिटेट किया जा सकता है जब सोडियम या फिर अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन के अंदर क्या डाला जाता है सॉल्युबल सॉल्ट उन्हीं मेटल का तो यहाँ कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इनके कार्बोनेट क्या हो जाते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट की वाटर के अंदर डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे अटामिक नंबर मेटल आयन का इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट की इन कार्बोनेट्स की सॉलिबिलिटी क्या होती है डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर मेटल आयन का इंक्रीज होगा जैसे अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो सॉलिबिलिटी कार्बोनेट की क्या होगी डिक्रीज होगी सारे कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर जिससे क्या मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड बेरिलियम कार्बोनेट की बात करें तो वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि बेरिलियम का साइज़ छोटा है कटाइन साइज़ छोटा और कार्बोनेट का साइज़ क्या है बड़ा है तो ये क्या हो जाते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं और सिर्फ अगर बेरिलियम कार्बोनेट बनाना ही है तो उसको सीओ uh, टू के एटमोसफेयर में रखना पड़ता है थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग ट कैटाइनिक साइज तो डाउन द ग्रुप जैसे कार्बोनेट का साइज़ बड़ा है तो लार्ज कटाइन लार्ज एन के साथ कंपेटेबल होगा दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है विद इंक्रीजिंग इन साइज़ क्योंकि कार्बोनेट का साइज़ बड़ा है तो डाउन द ग्रुप जाने पर कटाइन का साइज बड़ा होगा तो कार्बोनेट चूंकि उसका साइज़ भी एन का साइज़ बड़ा है तो इस वजह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं या फिर इंक्रीज इन केटाइनिक साइज बात करते हैं सल्फेट की तो एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं वो वाइट सॉलिड्स होते हैं और स्टेबल होते हैं हीट के रेस्पेक्ट में बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट रेडिली सॉलिबल होते हैं वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है फ्रॉम कैल्शियम सल्फ़ेट टू बेरियम सल्फेट जैसे कार्बोनेट की सॉलिबिलिटी सेम उसी तरीके से सल्फेट की भी है कि सॉलिबिलिटी क्या होती है डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं या फिर कैल्शियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक जाने में सॉलिबिलिटी क्या होगी डिक्रीज़ होगी ये क्यों है क्योंकि जो हाइड्रेशन एंथेल्पी है बेरियम प्लस टू की और मैग्नीशियम प्लस टू की इनका साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है इनकी एंथेलपी ज़्यादा है इस वजह से ये ओवरकम कर जाती है लैटिस एंथेल्पी फैक्टर को जिसकी वजह से इनकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है है बेरिलियम प्लस टू की और मैग्नीशियम प्लस टू की और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उनकी सॉलीबिलिटी कम होती जाती है एंड देयरफॉर फॉर सल्फेट आर सॉलिबल इन वाटर इसी वजह से बेरिलियम और मैग्नीशियम प्लस टू के सल्फ़ेट जो होते हैं वो सॉलिबल होते हैं वाटर के अंदर अब बात करते हैं नाइट्रेट्स की तो नाइट्रेट्स कैसे बनते हैं डिसोल्यूशन जो कार्बोनेट है उनके कार्बोनेट जो मेटल नाइट्रेट है सॉरी जो मेटल कार्बोनेट है अगर उनका नाइट्रेट बनाना है मेटल नाइट्रेट तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं कार्बोनेट की तो बनता है मेटल नाइट्रेट अब जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ क्रिस्टलाइज़ हो जाता है वही बात करें बेरियम नाइट्रेट की तो वो वो एज एनहाइड्रस एनहाइड्रोसॉल्ट क्रिस्टलाइज होता है दैट मीन्स उसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है इससे ये फिर दोबारे से पता चलता है कि जो हाइड्रेट uh, जो टेंडेंसी है हाइड्रेट्स बनाने की वो साइज़ के इंक्रीज़ साइज़ के इंक्रीज़ होने से डिक्रीज होती है ठीक है दिस अगेंस्ट व डिक्रीजिंग टेंडेंसी इससे फिर पता चलता है जो हाइड्रेशन हाइड्रेट फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है और डिक्रीजिंग हाइड्रेशन इंथल और साथ में क्या होती है हाइड्रेशन एंथेल डिक्रीज होती है सारे के सारे डिकम्पोज होते हैं हीट करने पर जैसे क्या मिलता है ऑक्साइड मिलता है जैसे लिथियम नाइट्रेट लिथियम नाइट्रेट की तरह सॉरी लिथियम नाइट्रेट की तरह ये भी क्या करता है डिकम्पोज कर जाते हैं हीट करने पर जैसे जिससे क्या मिलता है ऑक्साइड मिलता है लाइक लिथियम नाइट्रेट जैसे लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पर एनओ टू गैस निकल रही तो लिथियम ऑक्साइड बन रहा था सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी मेटल नाइट्रेट क्या बना रहे हैं मेटल नाइट्रेट के हीट करने से मेटल ऑक्साइड प्लस एनओ टू प्लस ओ टू लेकिन जो एल्कली मेटल के uh, अदर एलिमेंट थे एक्सेप्ट लिथियम लिथियम को छोड़कर वो क्या कर बना रहे थे नाइट्रेट बना रहे थे जैसे सोडियम सोडियम नाइट्रेट को हीट करने से क्या भी मिल रहा था सोडियम नाइट्राइड एन ना कि एनो गैस तो बस यही चीज़ नोट करने वाली थी फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में